वाह 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 भाई, यही भाषा जान करके घर वाले यज्ञ करता श्रीमान दुर्गा प्रसाद बघेल जी। वाह वाह भाई, अपन पूज्य माता जी स्वर्ग की हंसा के नहावन उपलक्ष्य में आत्मा मोक्ष के लिए सृष्टि के निमित्त में सृष्टि करता सतना पिता परम पूज्य बाबा गुरुदा जी के सृष्टि मंगल चौका पूजा अलग बाबा थे भैया। बाबा जी तब अनुरागी कर जोर कहे कि सुन गुर कृपा निधान, अजी सृष्टि मंगल भजन बाबा अजी मोह से कहो बखान। अनुरागी हंसा चल करके पुरुष पिता के समक्ष में कही जगह है सतना पिता, में कौन से कथा के बखान होते, पूजा में मानव समाज ला का शिक्षा मिलते, पूजा में मानव समाज ला का फल मिलते, बता दे बता दे बाबा बता दे। कब अनुरागी के बीच कहे सृष्टि मंगल भजन बेटा मैं तुमसे कहूं। अनुरागी हंसा के बोली वचन ला सुनकर के सृष्टि करता सतना पिता, कैसे समझा के बेचे भैया संभव भाई। बोल बाबा तुलसीदास की जय। आधर आसन से सतिहासन से
जी के अवतार के कथा ला, उत्पत्ति के कथा ला, सृष्टि के कथा ला, ये चौका पूजा में बताए। चौका मतलब चारों खान चराचर जीव, जेकर अवतार उत्पत्ति सृष्टि के कहानी और कथा चौका। वाह वाह जी। वैसे तो हमारे ज्ञानी पंडित मन 16 प्रकार के चौका के थे, लेकिन मोर छोटे से बुद्धि के अनुसार दूठन चौका ला ज्यादा महत्व दी जात। काला जी, एक चूल्हा चौका जेमा माता मन, दीदी मन, बहनी मन लकड़ी और छेना ला जला करके ओमा सुंदर दाल भात पूरी सब्जी अमृत रूपी भोजन पकाते। हाँ जी, जब ये भौतिक रूपी पेट भरते। सही बात है भैया। और दूसरा ये ज्ञान सतनाम की चौका। अच्छा, एमे का होते? एमा काला जलाना ही कहे। काला जी, एमा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वैर तृष्णा राग द्वेष रूपी लकड़ी ला जलाना है। खटकार ला त्यागना है। हाँ जी, जब खटकार ला त्याग में तब एमा स्वच्छ निर्मल ज्ञान के भोजन पकी जमा आत्मा तृप्त हो ही कहे। वाह 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 भैया। सब ग्रंथन के सार समझ को चौपन दर्शाता। संसार में बड़े बड़े मोटा मोटा ग्रंथ है, चार वेद, चार सात नाम, व्याकरण, 11 प्रतिशत, 18 पुराण, जेकर सार नीचो रस ये चौका पूजा बताए भैया। बाबा, आप बने चौका पूजा संसार के बड़े बड़े वेद पुराण के सार नीचो रस कथा। हाँ, बड़े बड़े मोटा मोटा ग्रंथ जब आप पढ़ना में हम बाबा, चार वेद, छह शास्त्रों, व्याकरण, 11 प्रतिशत, 18 पुराण। हाँ, बड़े बड़े मोटा मोटा ग्रंथ के नाम ले हम बाबा, वो मोटा मोटा ग्रंथ मन फालतू हवे का बाबा। कैसे फोटा ज्ञान है? कैसे जी? बड़े बड़े मोटा मोटा ग्रंथ में नाना प्रकार के आडंबर की कथा, चोरी की कथा, बंटवारी की कथा, जीव हत्या की कथा, नारी पर अत्याचार की कथा, गौ माता पर अत्याचार की कथा भरे हुए। ऐसन कथा ला एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, 100 साल, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के सुनते में तो जीवन के कृतार्थ नहीं हो सके। काबर बाबा, जैसे खावे अन्न वैसे रही तो तन या मन। हाँ जी, जैसे पीबे पानी वैसे निकली तोर मुहले जवानी। सही, और जैसे सुनबे कहानी वैसे कटी तोर जिंदगानी। जय हो। भव सागर से पार करन को साथ। ए बाबा सुना पिता, ये चौका पूजा ला डोंगा की उपाधि दी है भैया। बाबा, आप पहले चौका पूजा डोंगा की उपाधि दी है कथा। सागर रूपी नदी पार हो जब का ऐसा बात न है। तब कैसन बात? जैसे एक भाव सागर एक नदी आला पार करे खाती भैया। हाँ हाँ जी, चाहे वो यागर नदी हो, चाहे नागर नदी हो, चाहे अरपा हो, चाहे पैरी हो, चाहे महानदी, शिवनाथ नदिया, कोनो नदिया के एक खाने दूसरा खा जाए जाते भैया। हाँ, तो कामा जाते, कामा जाते हाथी कठवा के डोंगा के सहारा लेकर के नदिया के एक खंड एक खंड जाए जाते। हाँ जी, वैसे प्रकार से भवसागर एक नदिया है। अच्छा, भवसागर एक नदिया है, जगह पहला खंड मृत्यु लोग, दूसरा खंड अमर लोग। हाँ जी, मृत्यु लोग से अमर लोग जाए बार सत कर्म रूपी डोंगा, सत ज्ञान रूपी डोंगा, सत मार्ग रूपी डोंगा, सत चाल चलन रूपी डोंगा, सत बोली वचन रूपी डोंगा मां चले बिना भवसागर रूपी नदिया ला पार नहीं करेगा। सत्य नाम पटवा
जी जप लेना सत्य नाम ला हंसा तोर हो जाई जिंदगी के बोले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जय। ये बाणी ला सुन करके रुला के हंसा पुरुष पिता के समक्ष जब गई जय के हैं सीता पिता है पुरुष पिता परमात्मा आपके शब्द बाणी ला सुन करके हमार मन गद गद हुआ थे बाबा लेकिन हम एक जन बात ला जानना चाहता ये चौका पूजा लग कौन समय करवाना चाहिए ये चौका पूजा में का का सामग्री लगते का फल मिलते का शिक्षा मिलते तिला बता दे। कोई भी समय दुख हो या सुख हो।